दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा चोट लगने की वजह से हड्डियों में सूजन आना और ब्लड का इकट्ठा हो जाने का एक रामबाण नुस्खा। इसको 2 या 3 दिन लगाने से पैर की या जोड़ की जो सूजन है वो पूरी तरह से ठीक हो जाती है और जहाँ जहाँ पर ब्लड जमा है या खून का थक्का जमा है वहाँ पर बहुत जल्दी आराम मिलता है, ब्लड वहाँ से चालू हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, तो यह घरेलू नुस्खा है और इसे आप 2 या 3 दिन यूज़ करके अपनी प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप लोगों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन को ऑन कर ले ताकि आने वाले वीडियो और अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। दोस्तों तो इसको पैर पर बांधना होता है, चलिए इसको कैसे बनाते हैं इसका सेटअप बाय सेटअप पूरी विधि आपको बताते हैं। दोस्तों इसके लिए आपको कुछ चीज़ें चाहिए होंगी जो आपके आसपास मिल जाएगी, जैसे यहाँ पे भांग का पौधा से आप कुछ पत्ते ले लें और आप एलोवेरा का एक पत्ता ले लें और उसको काट लें। जी हाँ दोस्तों, और एक प्याज ले लें, प्याज के आप 4 टुकड़े कर लें। एलोवेरा, भांग और प्याज, ये 3 चीज़ें, और चौथी चीज़ होगी फिटकड़ी। फिटकड़ी आपको पंसारी की दुकान से मिल जाएगी, ठीक है। तो भांग, एलोवेरा, फिटकड़ी और प्याज चारों को हमें ग्राइंडर कर लेना है, पीस लेना है, ठीक है। हमें इसको पीस लेना है तो हम इसको जल्दी से पीस लेते हैं, बारीक से पीस लेते हैं। इसमें चाहे तो पानी डाल सकते हैं। दोस्तों हमने इसको पूरी तरह से पीस लिया, देख सकते हैं इसकी चटनी जैसा ये बन गया है। अब हमें इसको एक बर्तन में डाल लेना है इस तरह से, और इसमें कुछ चीज़ें और मिलानी है जैसे कि हल्दी। हमको इसमें अब 30% या 40% इसका जो है भाग है हल्दी इसमें मिला लेना है, और इसमें जितना हमने हल्दी डाला है उतना ही हमको लगभग तेल डाल लेना है। इसमें सरसों का तेल हो, हल्दी और सरसों का तेल दो चीज़ें आप इसमें डाल लें और इसको अच्छे से मिला लें। इसे मिलाने के बाद अब हम इसे जो है पकाएंगे। इसको पकाना कैसे है चलिए इसके बारे में भी हम आपको बता देते हैं। पकाने से पहले आप इसे अच्छे से मिक्स कर लें और इसको अच्छे से आपको पीसना है। अच्छे से पीसने के बाद इसको मिला ले तेल और हल्दी इसके अंदर। चाहे तो इसमें थोड़ा सा नमक भी डाल सकते हैं चाहे तो, लेकिन मैं इसमें नमक नहीं डाल रहा हूँ। अब आप तवे को गर्म कर लें और इसके ऊपर यह जो आपका बनाया हुआ मिश्रण है इसको डाल लेना है, ठीक है। अगर आप एक साथ पकाना चाहें एक साथ पका सकते हैं, दो बार में पकाना चाहें दो बार में पका लें। जितना आपको यूज़ करना है उतनी मात्रा में आपको इसे जो है तवे के ऊपर पका लेना है, और ध्यान रहे तेज़ी धीमी आंच पे आपको पकाना है, तेज़ आंच पे आपको नहीं पकाना वरना ये जल जाएगा, ठीक है। तो देख सकते हैं धीरे धीरे जो इसके अंदर का जो पानी है या इसका जो ऑयल है वो जलने के बाद इस तरह से गाढ़ा हो जाएगा और हम गैस को जो है फिर बंद कर लेंगे। अब इसको आपको ठंडा होने देना है और आप एक रुई ले ले जिस हिस्से पे आपको लगाना है, आपको रुई का यूज़ करना है। ध्यान रहे गुम जहाँ पे आपको गुम चोट लगी वहाँ पे इसका यूज़ करना है, घाव में इसका यूज़ नहीं करना है वरना आपको जलन हो सकती है। तो आपको एक रुई ले लेना है, जितने हिस्से पे आपको लगाना है उतनी बड़ी रुई आपको ले लेना है और इसके अंदर डाल देना है। जो इसके अंदर का जो लिक्विड है वो इस रुई के अंदर भर जाएगा, जो भी इसके अंदर का लिक्विड होगा वो रुई के अंदर भर जाएगा।
अब इसको थोड़ा सा ठंडा हो जाने दे, क्योंकि गरम लगाएंगे तो जहाँ पे आप लगा रहे हैं वहाँ पे दिक्कत हो सकती है, जलन हो सकती है। तो हम पैर में लगा रहे हैं, यहाँ पे देख सकते हैं सूजन आई हुई है, और यहाँ पे इसके अंदर के हिस्से में जो है पैर में ब्लड भी थोड़ा सा इकट्ठा हो गया था। तो हमें पहले नीचे का जो हिस्सा है, जो नीचे का जो बचा हुआ इसका जो कचरा बोलते हैं वो लगा लेना है, क्योंकि मेन मेन चीज़ तो रुई के अंदर आ गई है, जिसमें ऑयल, हल्दी या जो भी चीज़ें थी लिक्विड में। अब हमें नीचे का जो चीज़ें हैं वो इस पैर पे ऊपर लगा लेना है इस तरह से, और अब हमें वो जो रुई है वो उस हिस्से पे रख लेनी है जहाँ पे चोट लगी है। तो इस रुई में सारा का सारा लिक्विड इसमें भर गया है। तो दोस्तों इस तरह से आपको लगाना है, और इस पर पोलोथीन बांध लेनी है ताकि आपके कपड़े ख़राब ना हो, और उसके ऊपर आपको जो है एक पट्टी लपेट लेनी है। तो ये जो नुस्खा आप 3 दिन यूज़ करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। हमने देखिए कपड़ा इस पर बांध लिया दोस्तों।